नमस्ते, सबका नमस्कार। आज हम केदारनाथ जा रहे हैं। अभी हम ट्रेन में बैठ गया है, शताब्दी एक्सप्रेस में। दिल्ली से हम निकल रहे हैं, वहाँ से हमारे लिए खाने के लिए हम पहुँच गया है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार में वहाँ नाश्ता करके हम गंगा माता में माता के बगल में जाएंगे। तो हम अभी गंगा माता का दर्शन करके हम नहा रहे हैं। हम आराम से गंगा माता का दर्शन हम नहाने के बाद वहाँ से निकल रहे हैं। हम पहुँच गया है ऋषिकेश। ऋषिकेश बस स्टैंड में शिवानंद आश्रम में रात को हम ठहरे। वहाँ से ध्यान करके दूसरा दिन सुबह वहाँ से निकल के नाश्ता करके हम केदारनाथ का ट्रैवल शुरू कर लिया है। हम बस में बैठ के केदारनाथ निकले। वहाँ से 203 किलोमीटर दूर में एक जगह पे गाड़ी रुकी, क्योंकि आगे तो गाड़ी नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से आप भाई पड़ यहाँ एक बंदा जड़ी बूटियाँ भेज रहा है। तो वहाँ से फिर हम घोड़ा में जाने के लिए इंतज़ार की। फिर हम हमारा ट्रैवल घोड़ा में बैठ के शुरू कर लिया है। तो घोड़ा जा रही है, जाती रह रही है। इसकी बहुत बड़ा बाड़ी इलाका है, सब जगह पे रिवर बाड़ी के बगल में जा रही है, पानी जा रही है। हम घोड़ा में बैठ के मैं मेरा पिताजी माताजी साथ हम निकल के जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया पुण्य की बात है। अभी ये ट्रैवल बहुत आनंद हुई। बहुत डिवोटीज भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए केदारनाथ का दर्शन कर रहे थे लोग। कुछ लोग बहुत लोग हम घोड़ा में बैठ के जा रहे थे। वहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट, एक ब्यूटीफुल पानी, रिवर, रोड, एकदम ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटीफुल देखने में बहुत मज़ा आए। देखते देखते ट्रैवल में ही हमारा भगवान का दर्शन मिलना शुरू हो गई। वहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहे थे लोग, कुछ लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, कुछ लोग घोड़ा में, कुछ लोग का लोग एक बैठा के चार्ज। एक जगह पे हम रात रुक के थोड़ा सा नाश्ता इस्ताए, बीच में थोड़ा रेस्ट ले लिए। रेस्ट लेने के बाद वापस हम घोड़ा में बैठ के आगे हमारा ट्रैवल शुरू हो गई। ये ट्रैवल में आगे जाने का टाइम बहुत डीप था, मतलब स्ट्रीट में ऊपर घोड़ा चढ़ रहे थे। एकदम छोटा सा रास्ता है, एक तरह से आना एक तरह से जाना, तो एकदम करके करके हम निकल के जा रहे थे। उधर उधर वहाँ बीच में बर्फ़ पड़े थे, बर्फ़ मेल्ट होके पानी निकल के जा रहा था। हमारा ट्रैवल ऐसे भगवान का नाम सोच के जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, ऐसे लोग उसकी चैंटिंग करके जा रहे थे। हमारा घोड़ा हमारा लेके जा रहे थे, चलता रहा। इसका दे ब्यूटी है, वो सब जगह देख के हम जाते रहे। एंड रिवर साइड में पानी एकदम साउंड करके चल करके आ रहे थे। हम जा रहे हैं, रास्ता में भगवान का नाम लेके शिव जी का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी हमारा साथ अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखिए कितना मस्त जगह पे हम जाते रहे। ये सच में पुण्य की बात है। एक देश में से, इतना बड़ा देश में से, इतना अच्छा जगह पे भगवान ने सबका दर्शन कर रहा है, सबका भलाई कर रहा है। तो हम जाने के टाइम एकदम मन में आनंद 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 आनंद, हर एक जगह पे देख के
आगे एकदम मस्त 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 में जा रहे थे। ऐसे ऊपर जाके जाके बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकने के लिए जगह थे, वहाँ थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने के लिए दुकान भी थे। करके करके हम आगे जा रहे हैं, हम आधा दूर आ गए हैं अभी। अभी आधा दूर के क्रॉस में बहुत बड़ी इलाका, एक बड़ी दूसरा बड़ी, ऐसे हर एक हिल्स का आफ्टर हिल्स में हम क्रॉस होके क्रॉस होके हजारों घोड़ा जा रहे थे। हम भी उसमें से बैठ के, तो मौसम एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया, कभी हल्का सा बारिश, कभी हल्का सा गर्म। बीच बीच में जगह थे वहाँ रुकने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेते थे। फाइनली घोड़ा के एक पॉइंट आए, उस पॉइंट का आगे तो घोड़ा नहीं जाएगा, वहाँ से उतर के पेडल में जाना पड़ेगा, वहाँ से पानी आ रहा है। तो हमने वहाँ से उठ के एक ब्रिज क्रॉस करके हमने वहाँ देखे भगवान का पहाड़ी जिला में बर्फ़ के नीचे भगवान का मंदिर देखना शुरू कर लिए। एकदम आनंद आनंद हो के हमने फाइनली हम मंदिर पहुँच के, तो मंदिर लाइन में खड़े, लाइन में से जाके वो मंदिर में बैठ के बढ़िया सा दर्शन, इतना बड़ा दर्शन, मतलब ये नेचुरल शिवलिंग है। तो एकदम उसकी पाँव में टच करके दर्शन करके हम बाहर निकल के आए। बाहर आके वहाँ लोग स्वामी लोग थे, उन लोगों का साथ दर्शन करके उन लोग का आशीर्वाद लेके थोड़ी देर बैठ के हम वहाँ तपस्या की। उसके बाद हम आराम से बैठ के उस मंदिर का बगल में वहाँ एक स्टोन में लिखा हुआ मंत्र वगैरह हम तो थोड़ा पढ़े। उसके बाद हम थोड़ा सा बैठ के तपस्या किए। ये दर्शन एकदम पुण्य का बात है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं अभी हमारे साथ साथ। एक वहाँ से वो स्टोन में लिखा हुआ था तमिलनाडु से ये कैसे ये मंदिर बना गया है, उसमें से बहुत तमिल में भी हिंदी में भी दोनों तरफ से लिखा होते थे। तो उसका हमने पूरा बैठ के पढ़ के उसकी समझना शुरू की, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सब देख के बहुत समझ के आनंद आए। तो लाइफ के लिए भगवान शिव जी का दर्शन हमारे लिए मिले, ये बहुत बड़ा पुण्य बात है। तो उसी दर्शन के साथ साथ हम बैठ के और भी तपस्या की। तपस्या करने के बाद एकदम मन बहुत शांति हुई। फिर मंदिर का आउटसाइड में बैठ के थोड़ा ये स्वामी जी ने मुझे हमारे लिए एक शिवलिंग दिया, उसके लेके हम अभी अब घर पर रख के पूजा कर रहे हैं। तो ये पूरा दर्शन, केदारनाथ दर्शन सबका सबके लिए हम प्रार्थना करवाए, मतलब कोई आया है उन लोग का भी, कोई नहीं आया उन लोग का भी करके ये पूरा देख रहे, पूरा केदारनाथ का वो जगह है। फिर उस बात हम आराम से दर्शन करके नीचे उतरना शुरू किए। धीरे धीरे अभी रास्ते में थोड़ा रेस्ट ली, फिर उसके बाद हम फाइनली करके वहाँ से हमने बद्रीनाथ भी दर्शन करके, बद्रीनाथ से दर्शन होने के बाद हम नीचे उतर के अब बस आए हरिद्वार, वहाँ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में से हम दर्शन करके वहाँ से हम तमिलनाडु वापस चले।